भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर तनाव जारी है। कनाडा में रह रहे हिंदू समुदाय को खालिस्तानी समर्थकों द्वारा परेशान करने की घटनाएं भी आए दिन हो रही हैं। कभी मंदिरों पर तोड़फोड़ की जा रही है तो कभी भारत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन अब हिंदुओं ने भी डर को दरकिनार कर खालिस्तानियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ताजा मामला कनाडा के सरे का है, जहां हिंदुओं ने मंदिर में बवाल करने पहुंचे खालिस्तानी समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल लक्ष्मी नारायण मंदिर में हिंदुओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान सिख फॉर जस्टिस की ओर से बुलाए गए प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। एक तरफ खालिस्तानी झंडा लेकर लोग खड़े थे, वहीं दूसरी ओर मंदिर के सामने हिंदुओं ने मोर्चा संभाल लिया। कार्यक्रम में मौजूद करीब 200 हिंदुओं ने हिंदू सिख एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। दोनों पक्षों के बीच करीब 3 घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। हिंदुओं की ओर से जवाबी प्रदर्शन से खालिस्तान समूहों के पैर उखड़ गए और उन्हें वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान वहां पहुंची पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। घटना के बाद मंदिर के कर्मचारी और पुजारी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि यहां खालिस्तान समर्थक आकर आए दिन हंगामा करते हैं, यह लगातार हो रहा है, हमें अपनी जान का खतरा है। हमारी बार बार शिकायतों के बावजूद कनाडा की सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं मंदिर परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि खालिस्तानी समर्थकों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से कनाडा में हिंदू विरोधी प्रदर्शनों में इजाफा हुआ है। ऐसे प्रदर्शनों की यहां बाढ़ सी आ गई है। प्रदर्शनकारी लगातार निज्जर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। बता दें कि निज्जर को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर कह दिया था कि इसमें भारत का हाथ है, हालांकि भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया था। साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।